पर आज चलो सामान दिला लो चलें सच में बताया तो जल्दी बताओ सही पैसे नहीं हम नहीं चल पाएंगे एक बात बता दो फिर हमें रेडी भी तो होना होगा ना उसमें टाइम लगेगा फिर चिल्लाओगे चले पक्का चाय पी लें फिर चलते हैं क्या है हम ये नहीं देख रहे भूत उस वाला क्या है भूत वाला नहीं है एक मिनट स्मार्ट तो ये कैमरा कहाँ लगाए हुए हैं मत्थे पे ये क्या है फराज हमें नींद नहीं आती है फिर नहीं नहीं डरावना ना दिखा इसमें पूरा जिन लोग पूरा ग्रुप नमाज पढ़ रहा है वो दिखा रहा है नहीं बेटा और लड़की पीछे पढ़ रही है बैठ के जब हम यहाँ पे पढ़ते हैं तो हमें यही सब याद आता है तो हम हो गए हैं तैयार फराज के साथ जाने के लिए स्मार्ट बाज़ार कुछ ग्रोसरी का सामान लेने के लिए और हमने ले लिया है ये इतना बड़ा सा झोला जो मेरे पर्स में फिट भी नहीं हो रहा है और ये है लूना अच्छा जो लोग कानपुर से मेरा व्लॉग देख रहे हैं वो लोग रास्ता देख के बताना ये कौन सा रोड है अभी तो ये नई सड़क है इसके बाद आगे आइए परेड चौराहा और अब जो रोड आएगा वो आप लोग देख के बताना कि ये कौन सी जगह है कमेंट करना बस आ गया हमारा और आपका सबका प्यारा जेड स्क्वायर क्योंकि हम लोग को जाना है स्मार्ट बाज़ार जो कि इसके अंदर है एंड ये ट्रैफिक पुलिस वाले पता नहीं क्यों इतने गौर से देख रहे हैं कि मैं व्लॉग क्यों बना रही हूँ फिर दो कदम आगे बढ़े तो ये देखो अल्लाह का शुक्र है हम लोग एक्सीडेंट होने से बच गए ये देखो डिवाइडर पर चढ़ गई इनकी कार अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बच गए एंड आई थिंक दिस इज़ पावर ऑफ आयतल कुर्सी तो हम लोग जब भी घर से निकलते हैं तो ज़रूर पढ़ के निकलते हैं आयतल कुर्सी भी और घर से निकलने वाली घर से जब बाहर निकलते हैं वो वाली दुआ भी और ये है जेड स्क्वायर की बाइक पार्किंग और हम लोग आ गए हैं ये एंट्री पे इस फ्लोर की ये है बेसमेंट और यहाँ की एंट्री यहाँ इधर से होती है एंड इसी बेसमेंट में ही स्मार्ट बाज़ार है छोटी लेनी है छोटी ले लो मारो आंटी को टक्कर तो सबसे पहले हम लोग आ गए हैं डेयरी सेक्शन में और यहाँ से हम लोग ने उठाई चीज़ और कई तरह की चीज़ ली हम लोग ने और हाँ जो लोग सोचते हैं चीज़ खाना बहुत अनहेल्दी होता है तो ऐसा कुछ भी नहीं है कोई भी चीज़ मॉडरेशन में खाएंगे अगर तो ये ठीक है स्पेशली चीज़ ये कोई ये एक तरह का हेल्दी फैट है और ये है मैगी और ये खाने का मेरा बहुत ज़्यादा मन कर रहा है लेकिन बिकॉज ऑफ़ द ऑब्वियस रीजंस आई विल नॉट बाय मैगी या फिर वहाँ से रिलेटेड एनी प्रोडक्ट सो ओके और हमने ले ली थी म्यूसली का एक पैकेट और यहाँ पे फराज ले रहा था अपने लिए चॉकलेट वेफर्स उसको बहुत ज़्यादा पसंद है ये और फिर अपना जो कुछ लेना था हम लोग ने ले लिया और आ गए हम लोग बिलिंग काउंटर पे काफ़ी बड़ा झोला लेके आए थे घर से बट हम लोग को यहाँ पे दूसरा झोला भी लेना पड़ा क्योंकि हमारे झोले में सामान तो सारा आ गया था लेकिन वो उठाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था और वो हम लोग आज बाइक से आए हैं तो उसको पकड़ के बैठना भी काफ़ी मुश्किल था तो हम लोग ने एक और झोला ले लिया सामान को दो पार्ट में डिवाइड करा एंड एक झोला आगे रखा एक झोला मैंने पकड़ा और हम लोग आ गए घर घर आने के बाद कुछ शूट नहीं करा था नेक्स्ट डे हो गया है और अब हम जा रहे हैं किचन में एक वीडियो शूट करने फॉर यूट्यूब शॉर्ट्स तो
उसके लिए उसका टॉपिक है हाउ टू क्लीन स्ट्रॉबेरीज। तो निकालते हैं सारा सामान जो कुछ यूज़ होगा इस वीडियो में। उसके बाद कैमरे को सेट करेंगे इन द ट्राइपॉड एंड विल रिकॉर्ड द वीडियो। तो वीडियो यहाँ नहीं देखने को मिलेगा आपको, एक दो दिन में मैं यूट्यूब शॉर्ट्स में अपलोड करूँगी, वहाँ पे आप लोग देखना। तो शाम हो गई है, 5:30 बज रहा है और हम आ गए हैं फिर से किचन में। और हमने सोचा है आज बनाते हैं तवे वाला ब्रेड पिज्ज़ा। तो उसके लिए सबसे पहले चीज़ को ग्रेट कर लेते हैं। चीज़ ग्रेट करके साइड में रख दिया था। फिर मैंने प्याज काटी, जैसे एग भुर्जी में डलती है वो वाली प्याज। और आज हमने यूज़ करा है न्यू वाला नाइफ सेट का नाइफ। तो ये मेरे हाथ में सेट नहीं हो रहा था पहले, तो ये वाला नाइफ बहुत बड़ा लग रहा था, इससे काम नहीं हो रहा था। फिर हमने छोटा वाला नाइफ निकाला। फिर डैडी कहने लगे कि अपने अजीज़ों को ये प्लेट भी दिखा दो जो उन्होंने खुद अपने लिए बनाया है, फ्रूट प्लेट। तो आप लोग देख लो और कमेंट में बताना कैसी लग रही है, उन्होंने खुद बनाई है, कमेंट कर देना, वो कमेंट्स रीड करते हैं। ओके, वैसे अच्छी बहुत लग रही है ये। तो चलिए फिर अपना काम आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले निकाल लेते हैं ब्रेड। ये बहुत ज़्यादा ही ईजी एंड सिंपल रेसिपी है, स्पेशली अगर आपके घर में बच्चे हैं तो उनके लिए ज़रूर बनाना आप लोग, उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। वैसे हम तो ये फराज के लिए बना रहे हैं स्पेशली, बड़े भी खा सकते हैं, बड़ों को भी अच्छा लगेगा। लेकिन आज मेरे पास ज़्यादा वेजीज नहीं थी, इसमें कई सारी वेजीज डल सकती हैं। पिज़्ज़ास की असेंबलिंग स्टार्ट करती है और ये करते करते एकदम से नज़र पड़ी मेरी फिंगर पे, देखा कि ब्लड है उसमें, तो पता भी नहीं चला कैसे चोट लगी, आई थिंक नाइफ से लगी है। फिर उसको वॉश करके हम अपना काम करने लगे लेकिन उसमें से ब्लड रुक ही नहीं रहा था। फिर हमने लगा लिया एक बैंडेज एंड फिर आगे काम बढ़ाया अपना। तो हमने लगाया है ब्रेड में मेयो एंड उसके ऊपर स्प्रिंकल करी है प्याज, और अब मैं डाल रही हूँ इसमें टमाटर और इसके बाद डलेगा चीज़। अगर कैप्सिकम और बॉइल्ड कॉर्न होता तो और ज़्यादा अच्छा लगता ये, और हमें ये कम लग रहे थे ब्रेड्स तो हमने और बढ़ा लिए, जल्दी जल्दी असेंबल कर लिए। और हिबा से पूछा कैप्सिकम के लिए तो उसने बोला रेड वाला है, वही वाला लेके चीज़ के ऊपर से रेड कैप्सिकम कट करके डाल दिया। तो हमारे सारे ब्रेड्स रेडी हैं। तवे को हीट करा, उस पर अच्छे से घी लगाया और अपने ब्रेड्स रख दिए कवर करके लाइक अराउंड 5 to 7 मिनट्स, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे कवर करके रखने हैं। देन ओपन इट एंड योर ब्रेड पिज़्ज़ास आर रेडी। बस इसमें अब थोड़े से मसाले डालेंगे और इफ़ यू वांट तो आप कट कर लें, हमने तो कर लिया था ट्राइंगल्स में कट। और फिर ऊपर से स्प्रिंकल करा इसमें नमक, काली मिर्च और ओरिगैनो। बस दैट्स इट एंड नाउ इट इज़ रेडी टू सर्व। रेसिपी हमने आपको बता दी है तो आप भी बनाइए, और अगर नहीं बना सकते तो आ जाइए मेरे घर, हम आपको बना के खिलाएंगे। कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से लास्ट की वीडियोस वर्क नहीं कर रही हैं।